नमस्कार जी सभी को, मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चादर है वो उठाई है पुराने वाली, क्योंकि वो धुलने के लिए रखनी है, और धुली हुई चादर मैंने बिछा दी है। तो दूसरे बेड पे भी मैं चादर बिछा दूँगी। वैसे तो ये सुबह के काम थे, लेकिन सुबह सुबह मुझे जैसे टेस्ट करवाने के लिए जाना था, तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा किया, नाश्ता वगैरह किया और ऐसे ही चली गई टेस्ट करवाने के लिए। और दोपहर को जब आए तो आकर कुछ भी मन नहीं किया करने का, क्योंकि होता ही है बाहर से आकर। वैसे भी जैसे काफ़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो फिर आकर कुछ भी मन नहीं किया करने का, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और इस टाइम अभी 3:30-4 का टाइम होगा और मैं यहाँ पे अपने जो भी चादरें वगैरह धुलनी है वो उठा रही हूँ और दूसरे वाली बिछा रही हूँ, क्योंकि कल जैसे कपड़े धुले थे, काफ़ी कपड़े हो रखे थे, तो वो बारिश के कारण ऐसे ही अंदर लगा दिए थे, अंदर ही फैला दिए थे। तो आज धूप निकली थी तो जाते हुए मैं बाहर लगा गई थी उसको, तो बेटे ने उठा दिए हैं कपड़े वगैरह, तो मुझे उनकी भी प्रेस करनी है, कुछ समेटने हैं। कुछ आप लोगों को बेड पर दिख ही रहे होंगे, तो कपड़े तो वगैरह धुल चुके थे लेकिन चादरें वगैरह नहीं धोई थी, तो वो कल धोऊंगी। आज जैसे टेस्ट करवाने जाना था तो इसलिए थोड़ा काम रह जाता है, अपना छूट जाता है काम। तो बस यहाँ पे मैंने चादरें वगैरह बिछा दी हैं और जो कपड़े धुले हुए हैं वो कपड़े जो सूख चुके हैं, जैसे कल धोए थे ना, वो सूख चुके हैं, तो उनकी जिनकी मुझे प्रेस करनी है वो भी मैं एक साइड में निकाल दूँगी, और जो ऐसे ही तह लगा के रखने हैं तो उन्हें भी फोल्ड करनी है, इनके कपड़े समेट लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह अभी मैंने प्रेस करनी है, लेकिन दुकान पर कोई आया है तो इसलिए पहले मुझे दुकान पर ही जाना पड़ेगा। तो अभी रात का खाना भी बनाना है, तो फ़िलहाल के लिए पहले दुकान पर चलती हूँ, क्योंकि दुकान पर कोई आया है और बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो मैं अकेली हूँ घर पे इस टाइम। और ये देखिए यहाँ पे बेटा ट्यूशन से आ चुका है और यहाँ पे ये बना रहा है पकोड़े। तो कभी कभी बच्चों को करने देना चाहिए ये काम भी, क्योंकि जब करेंगे तभी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेटे ने बनाया है तो मैं भी खा ही लेती हूँ, अपनी जीभ का स्वाद है तो खा ही लेते हैं जी। और यहाँ पे मैंने भिंडी भी रखी है, मेरा दूध भी पड़ा हुआ है और सारा सामान साथ के साथ ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे काम भी कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे सप्ताह देख रही हूँ जो अनिरुद्ध आचार्य जी का लगता है, तो शाम के टाइम वही देखते हैं हम। तो यहाँ पे जी मैंने भिंडी काटी थी, वो सुबह के लिए है, स्कूल के लिए, और साथ ही यहाँ पे जो सब्जियाँ और थी थोड़ी थोड़ी थी वो सभी काट दी है मैंने। तो आज बनाएंगे हम मिक्स सब्जी, तो यहाँ पे जो भी बची हुई सब्जियाँ थी थोड़ी थोड़ी वो सभी काट कर रख दी हैं। और भिंडी वो सुबह स्कूल के लिए बनाऊंगी, तो इस टाइम तो फ़िलहाल यही बनेगी, और बच्चों की फरमाइश है तो पूरी बनाने की, तो आलू गोभी के साथ पूरी बनेगी। तो यहाँ पे फटाफट से पहले मैं गोभी बना लेती हूँ, जो ये मिक्स सब्जी है। तो सभी सामान तो काट कर रखा हुआ है, बस काटने में ही दिक्कत होती है, बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, झटपट से बन जाती है ये सब्जी। तो यहाँ पे जीरा वगैरह डाल दिया था मैंने, और साथ ही उसमें लहसुन कटे हुए डाल दिए थे, और साथ ही डाल दिए हैं टमाटर, प्याज नहीं डाले हैं, प्याज मैं बाद में ही डालूँगी, थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे बनाओगे अगर आप एक बार देखना बनाकर, वैसे तो कई लोग बनाते होंगे लेकिन जो नहीं बनाते हैं वो इस तरीके से एक बार बनाकर देखें। तो यहाँ पे देखिए टमाटर में मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, और जो भी मसाले थे वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, क्योंकि जब तेल छोड़ देता है तो इसका मतलब है हमारा तड़का अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसमें डाल देते हैं अपने ये गाजर आलू, जो जिसमें टाइम लगता है वो सब्जियां मैं पहले पकाऊंगी। तो जैसे गाजर है, आलू है, तो इन्हें मैं पहले 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी, और गोभी जल्दी हो जाती है, प्याज भी जल्दी हो जाते हैं, तो पहले इन्हीं को ही पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। और बीच में ही फिर से दुकान पर जाना पड़ा, क्योंकि दुकान पर कोई आ गया था, बच्चे चले गए हैं अपने खेलने के लिए, थोड़ी देर खेल कर आते हैं वो ट्यूशन आने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं इसे, 5 मिनट के लिए ढका है मैंने। तो यहाँ पे देखिए आलू और गाजर जो है वो पक चुके हैं तकरीबन, तो जो गोभी वगैरह और प्याज वगैरह जो काट कर रखे हैं वो भी डाल देते हैं, और एक शिमला मिर्च पड़ी थी वो भी मैंने डाल दी, क्योंकि जो बची कुची सब्जियां थी उन्हीं की सब्जी बना रही हूँ, तो मिक्स वेज बोल दे सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो जिसमें टाइम लगेगा वो पहले ही पक चुकी है, आलू और गाजर, बाकी जो गोभी है, प्याज है, शिमला मिर्च, ये तो एक भाप में ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के बाद ही मैं चेक कर रही हूँ, तो देखिए तकरीबन ये पक ही चुकी हैं।
तो 2-3 मिनट के लिए और ढकेंगे बस इसको और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद अपनी ज्योत बत्ती का काम, जो भी रात का काम होता है, दूध वगैरह समेटना, दही जमाना, तो जो भी काम होते हैं लेडीज़ को पता ही होता है रसोई में कितने काम होते हैं, वही हमारा रात का जो चलता रहता है। तो यहाँ पे सूखी सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा था तो वो डाल दिया है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है और साथ ही साथ ही मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद कर रख दिया है और बच्चों की फरमाइश पर अगर बच्चे चाहेंगे तो पूरी बना दूंगी, नहीं तो फिर अपनी रोटी तो है ही। तो वैसे तो बच्चे इस कद्दू हो या फिर गोभी हो उसके साथ मेरे बच्चे ना पूरी खाना पसंद करते हैं, या छोले हों और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है और इस तरीके से आप भी एक बार जरूर बनाकर देखें, बहुत ही बढ़िया लगती है, टेस्टी लगती है। तो साथ की साथ ही अपने जो दही वगैरह लगानी थी, दूध वगैरह, उसका काम भी कर दिया मैंने, बस अब तो रोटी बनानी बाकी है। हाँ जी, तो रात के 9:30 बज रहे हैं और खाना पीना सब कुछ हो चुका है, किचन भी समेट दिया मैंने, जो भी बर्तन वगैरह थे वो सभी धो दिए हैं और थोड़ा बहुत जो भी वीडियो बनाया है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आज सुबह टेस्ट करवा कर आई हूँ, रिपोर्ट जब आएगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वैसे तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है मेरी, इतनी थकावट नहीं है। तो जी, इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थोड़ा बहुत जो भी काम होता है वो निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे काम ऐसे ही फैले हुए हैं, आप समझ सकते हैं। जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा बहुत जो भी होता है वो करती रहती हूँ। तो जितना भी ब्लॉग बना पाई हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है और इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, अपना ध्यान रखें जी।